प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रेगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम में शक्ति की धारणा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजनीति में शक्ति की धारणा का आशय क्या है, इसके अंतर्गत हम इस बात को समझते हैं कि हमारे द्वारा मानव के सार्वजनिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाए जो प्रभावित करते हैं, और यदि यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाया जाए तो इसके संबंध में जो तत्व सबसे अधिक प्रमुख रूप से उभर करके हमारे सामने आता है वह निश्चित रूप से शक्ति ही है। प्रारंभ काल में से लेकर के आज तक हम राजनीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा शक्ति का महत्व को स्वीकार किया जाता रहा है। भारत में राजनीति विज्ञान के जनक कौटिल्य ने दंड शक्ति को, जो कि शक्ति का पर्याय है, को राजनीति विज्ञान का मूल आधार बताया। इसके स्थान पर वे लिखते हैं कि समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है, अर्थात समस्त भारतीय साहित्य दंड शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है। पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ये बात देखी जा सकती है कि बहुत सारे विद्वान जैसे बेकर हैं, बेकर राजनीति को शक्ति से अपृथक्नीय मानता है। कैटलिन राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है ये मानता है। इसके अलावा बर्नार्ड रसेल ने शक्ति को ज्ञान, शक्ति को समाज विज्ञान मूलभूत अवधारणा के रूप में मान स्वीकार करता है। इसके साथ साथ ही और जो बहुत सारे विद्वान हैं शक्ति को, शक्ति का अध्ययन मानते हैं, जिसमें मैकाइवर है, बायोस्ट्राइड है, हॉटकिंस है, विलियम ए रोबिन्सन है आदि द्वारा ये विचार प्रस्तुत किए गए। राजनीति विज्ञान में शक्ति की अवधारणा को समझने के लिए ये जरूरी है कि इसके संबंध में जो मिथ्या प्रचलित हैं उनको दूर किया जाए। और इसके साथ साथ लॉर्ड एक्टन का ये जो प्रसिद्ध कथन है वो यह है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णता भ्रष्ट कर देती है। हमारे मन और मस्तिष्क में शक्ति के प्रति एक दुर्भावना को जन्म देती है, और वस्तुस्थिति यह है कि शक्ति तो सामाजिक व्यवस्था के लिए नितांत आवश्यक है, और शक्ति के बिना किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। केवल शक्ति ही अति या कहें शक्ति दुरुपयोग के साथ भ्रष्टाचार जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार एक नैतिक धारणा के अनुसार सत्यमेव जयते नितांत औचित्यपूर्ण है, और मानवीय जीवन से में हमारा आदर्श यही होना चाहिए। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि शक्ति के पीछे, सत्य के पीछे शक्ति का बल होने पर ही उसके विजय की आशा की जा सकती है। यथार्थ दृष्टिकोण में से सत्य और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है, वह पूरक हैं। और इसके संबंध में पास्कल ये कहता है कि न्याय और शक्ति के संयोग की आवश्यकता के विषय में अपने विचार वो प्रस्तुत करता है, वो पूरक बताता है। अब हम बात करते हैं शक्ति का अर्थ या उसकी व्याख्या। इसके संबंध में रॉबर्ट बायोस्ट्राइड के अनुसार शक्ति का बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर ये कहता है कि शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता है। और इसी के साथ साथ मार्गन तो ये कहता है कि शक्ति का प्रयोग करने वालों तथा इसके बीच जिन पर लागू किया जा सकता है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। शक्ति में प्रत्येक वस्तु समृद्ध है जिसके माध्यम से व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, उसे रखा जा सकता है। इसी के साथ साथ गोल्ड हैमर तथा सेल्स के अनुसार एक व्यक्ति को उतनी ही शक्तिशाली कहा जा सकता है जितने उसके पास अपने लक्ष्य के अनुरूप दूसरों को के व्यवहार को वो क्या करती है, प्रभावित करती है। आर्गेंसी के अनुसार शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्य के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। इसके साथ साथ ही जैसे और बहुत सारे विद्वान हुए हैं, जैसे हम बात करें लासवेल की, कैप्लान की, हर्बर्ट साइमन की, ने शक्ति को प्रभाव की क्रिया यानी इन्फ्लुएंस प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया, और वो कहते थे कि शक्ति का प्रयोग करते हुए दूसरों की नीति और कार्यों को प्रभावित किया जाता है तथा इस प्रक्रिया को दोनों पक्षों के बीच घनिष्ठ संबंध है। और इसी के संबंध में रॉबर्ट ए डहल के अनुसार ये कहें कि शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विषय वस्तु का नाम है जो उसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित करने में कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा न किए जाएं। अब लासवेल और कैप्लान के अनुसार ये जो धारणा है इसके अंतर्गत शक्ति को प्रभाव का पर्यायवाची माना है। कुछ परिस्थितियों में ये सत्य भी है लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये सत्य नहीं है। शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं और अलग अलग व्यक्तियों या यूं कहें कि व्यक्ति समूह में स्थिति होती है। हिटलर और चंगेज खां
केवल शक्ति के प्रतीक हैं, किंतु नेपोलियन और लिंकन आदि शक्ति और प्रभाव दोनों के प्रदर्शन करते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित करती हैं, किंतु उस व्यक्ति का व्यवहार शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ या प्रभाव के कारण, उसका निर्णय स्वयं ही वही कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के लिए वर्धनकारी भी हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो शक्ति मानव जीवन का एक सरल तत्व होने के पश्चात बहुत अधिक जटिल भी है, और जटिल इस पक्ष में है, मैकाइवर ये मानता है कि एक बहुपक्षीय तत्व है। उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल पर कुछ शक्तियाँ हैं, तो यह कथन पूर्णतः निरर्थक न होते हुए भी बहुत अधिक उपयोगी नहीं है। शक्ति का सही प्रयोग रूप जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेख करना होगा। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री की शक्ति का स्रोत, क्षेत्र या आधार क्या है, और इसके साथ साथ ही मंत्रिमंडल अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं, मंत्रिमंडल पर उस शक्तियों की मात्रा कितनी है, यह शक्ति कितनी व्यापक है। लास्ट में निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि शक्ति के संबंध में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है, राजनीतिक शक्ति की धारणा करने वाले उच्च अधीनस्थ संबंध प्रकट करने वाले स्वाभाविक हैं। दूसरी बात आती है कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अंतोगत्वा सामान्य जनता पर होता है, और उसे सत्ता का प्रयोग करने वालों की बात मानी जाती है। तीसरा है, राजनीतिक शक्ति मनोवैज्ञानिक संबंध प्रकट करती है, न कि भौतिक संबंध प्रकट करती है। अब हम बात करते हैं शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता के अंदर भेद या अंतर। शक्ति और बल में क्या भेद है, इसकी बात करेंगे। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही समझा जा सकता है, किंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों में अंतर है। शक्ति बल का पर्याय नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रचंड बल है और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति की पृष्ठभूमि में बल रहता है, किंतु वह बिल्कुल अलग है। शक्ति अप्रकट तत्व है, बल प्रकट तत्व है। बल का अर्थ शास्तियों यानी सैंक्शन की प्रवृत्तियाँ या यूं कहें प्रतिबंधों की व्यवस्था है, जिसमें साधारण जुर्माने से लेकर के प्राणदंड तक भी शामिल हैं। इस दृष्टि से शक्ति एक मनोभाव अथवा पूर्ण क्षमता है जो बल को संभव बनाती है। अब इसके संबंध में रॉबर्ट वॉइसराय कहते हैं, कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसके साथ साथ ही यानी ये बात होती है कि बल शक्ति का एक रूप है, किंतु बल ही शक्ति नहीं है। इसके संबंध में वॉइसराय ने आगे लिखते हैं कि शक्ति के तीन रूप हैं, बल, प्रभाव और प्रभुत्व है। बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार से बादल में जैसे बिजली रहती है। बल अमर्यादित या लक्ष्यहीन होता है, वह उसे दमन कहा जा सकता है। स्वीकृत या सीमित तथा नियंत्रण बल की शक्तियों बल को शास्तियाँ कहा जा सकता है। इस प्रकार से शक्ति बल की तुलना में निश्चित रूप से एक व्यापक तत्व है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति और सैनिक शक्ति में क्या अंतर है। इसके संबंध में राजनीतिक शक्ति एक सैनिक शक्ति दोनों ही व्यापक दृष्टिकोण से शक्ति के भी प्रकार हैं, किंतु एक ही नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक शक्ति एक जटिल शब्द है जिसमें सदैव ही शक्ति के रूप में अन्य भी शामिल होते हैं, जैसे धन, शस्त्र सामग्री, नागरिक सत्ता, मत का प्रभाव आदि। सैनिक शक्ति का स्पष्ट तत्व यह है कि यह सैन्य बल पर आधारित होता है। राजनीति में सैनिक शक्ति का स्थान अत्यंत गौण होता है। अब हम बात करते हैं शक्ति एवं प्रभाव की, कुछ समानताएं क्या हैं। शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान हैं, तो दूसरी ओर उसके महत्वपूर्ण असमानताएं पाई जाती हैं। ब्रचस और बारात के अनुसार ये कहा गया, उनकी एक पुस्तक थी पॉलिटिकल पावर में, इन दोनों में अनेक असमानताएं बताई। इन लेखकों के अनुसार शक्ति और प्रभाव दोनों ही बौद्धिक संबंधात्मक और एक दूसरे के सबलता प्रदान करती हैं। दोनों औचित्यपूर्ण होने के पश्चात भी प्रभावशाली होती हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करती है, शक्ति प्रभाव को उत्पन्न को करती है, एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति और प्रभाव अलग अलग व्यक्ति में हो सकते हैं। शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन में एक ही व्यक्ति में किए जा सकते हैं। शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, किंतु वह व्यक्ति की शक्ति के कारण परिवर्तित हुआ हो या प्रभाव के कारण, यह मूल्यांकन करना कठिन होता है। इसकी असमानताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। असमानताओं की जब बात करें तो शक्ति दमनात्मक होती है, उसके पीछे कठोर भौतिक बल या प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। जब शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति के से प्रभावित होने वाले व्यक्ति समूह के पास में स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। अनुयात्मक या स्वेच्छाचार्यात्मक मनोवैज्ञानिक होता है, इसका प्रभाव है जो इस प्रकार से है, उसकी नेचर बेसिक यह है, प्रभावित होने वाले व्यक्ति या समूह के पास सदैव ही अनुपालना के विषय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं। दूसरा जो कारण है, वो अंतर है, वो यह है कि शक्ति प्राय
शक्ति धारक के पास में एक स्वतंत्र तत्व के रूप में रहती है। उसका प्रयोग शक्ति धारक दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार प्रतिरोध उत्पन्न करता है। प्रभाव संबंधात्मक होता है। उसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति और स्वीकृति से होता है। इसके साथ साथ शक्ति को अप्रतंत्रात्मक माना है, वह प्रतिशक्ति आमंत्रित करती है तथा भय पर आधारित होती है। उसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः प्रजातंत्रात्मक होता है। उसका अनुपालन स्वेच्छा से किया जाता है। प्रभाव विचार समानता और मूल्यों की समरूपता के कारण होता है। अगला है शक्ति। शक्ति और शक्ति के प्रयोग में अनेक सीमाएं लगी होती हैं। शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो न उसे न किसी न किसी तरह से प्रभाव के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अगला है शक्ति को सभ्यता और संस्कृति के बाह्य तत्व के रूप में समझा जाना चाहिए। उसका प्रयोग निश्चित सीमित और विशिष्ट रूप से किया जा सकता है। उसका प्रयोगात्मक स्वरूप या सुनिश्चित होता है जब प्रभाव या व्यक्तिगत अमूर्त या अस्पष्ट होता है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें शक्ति और प्रभाव एक दूसरे के पूर्णतः पृथक रहते हैं। एक व्यक्ति की शक्ति होते हुए भी प्रभावहीन हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसका उदाहरण लें तो 25 मार्च 1971 से लेकर के 16 दिसंबर 1971 तक ये भाई खां की पूर्ति पूर्वी बंगाल के संबंध में स्थिति थी। उन्हें पूर्वी बंगाल के संबंध में केवल शक्ति प्राप्त थी, प्रभाव नहीं। दूसरी ओर शेख मुजीबुर रहमान को दिसंबर 1971 से पूर्व बंगाल के संबंध में प्रभाव ही प्राप्त था, शक्ति या सत्ता नहीं थी। अब हम बात करते हैं शक्ति और सत्ता की। राजनीतिक संगठन उन संरचनाओं द्वारा निर्मित होते हैं जो बल के प्रयोग को नियमित करते हैं, रेगुलर करते हैं तथा सामाजिक संयोग और नेतृत्व के संबंधित होते हैं। इनमें शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शक्ति व्यक्तियों, समूह, भौतिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का नाम है। ये आदेश देने की क्षमता रखते हैं। इनमें अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंग से पूर्ण रूप से करने की क्षमता के रूप में, योग्यता के रूप में देखा जा सकता है। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों को प्रभावित हो भी जा सकते हैं। इतिहास में ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हमें मिल सकते हैं। दूसरे राज्यों में अनाधिकृत रूप से अधिकार किया गया है अथवा उन पर विजय प्राप्त की है, किंतु धीरे धीरे जन स्वीकृति प्राप्त होती है तो वे सत्ता बन जाती है। आगे हम बात करते हैं चार्ल्सी मेरियम की पुस्तक पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सत्ता का में कोई भेद नहीं बताया गया है, लेकिन वास्तव में इस प्रकार का दृष्टिकोण उचित नहीं है। शक्ति दमन का यंत्र है और प्रभाव भौतिक होता है। सत्ता सहमति पर आधारित हो सकती है, इसके साथ साथ अधिक प्रभावशाली भी हो सकती है। अनेक राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जो बहुत अधिक सत्ता का प्रयोग करती हैं, केवल सहमति पर आधारित होती हैं। शिक्षक, पत्रकार और जनसेवक की सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती है, फिर भी उनका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है। अब हम बात करते हैं शक्ति के स्रोतों की। शक्ति का अर्थ स्पष्ट करने के साथ साथ ये समझने के लिए कि शक्ति के स्रोतों का अध्ययन किया जा सकता है। वस्तुतः शक्ति के अनेक प्रकार के या विभिन्न रूपों में ये प्रकट होती है, जिसमें हम बात करें जैसे नेपोलियन, हिटलर, लेनिन, गांधी, ये सभी शक्तिशाली थे, लेकिन इनकी शक्ति के स्रोत में भी भेद था, अंतर था। शक्ति के स्रोतों में पूर्ण सूची तो देना थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि विचारकों के संबंध में बहुत अधिक मतभेद हैं। शक्ति के प्रमुख जो स्रोत हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला है ज्ञान, नॉलेज। शक्ति का प्रथम स्रोत ज्ञान है। ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को पुनः प्रतिबद्ध करने के मिलाने योग्य प्रदान करती हैं। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार से संचालित किया जाता है कि वे शक्ति का साधन बन सकें। व्यक्ति के नेतृत्व का गुण उसकी इच्छा शक्ति और उसकी सहन शक्ति, अपने आप में अभिव्यक्ति की क्षमता और आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब हम बात करते हैं प्राप्तियों की। शक्ति का जो दूसरा स्रोत है वो प्राप्तियां हैं। ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है। इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाह्य तत्वों में भी, जिनमें प्राप्तियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, साधारण बोलचाल के अंतर्गत आर्थिक शक्ति का नाम दिया जाता है। प्राप्तियाँ के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति की समाज में प्राप्ति, स्थिति, स्तर आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्राप्तियां या संपत्ति शक्ति का एक स्रोत आवश्यक है, लेकिन ये न तो एकमात्र स्रोत है, न ही एक निश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत है। बिना संपत्ति के भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित कर सकता है। संपत्ति के होने में कोई उसकी आवश्यकता नहीं होती। अब आता है अगला स्रोत, संगठन। संगठन अपने आप में शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कहावत है, संगठन ही शक्ति है। यूनिटी हिज स्ट्रेंथ। विभिन्न प्रतिद्वंद्वात्मक पूर्ण इकाइयों में आपस में मिलकर के संघ बना लेती हैं तो उनमें शक्ति कई गुना बढ़ जाती है।
आधुनिक युग में मजदूर युग व्यापारी संघ के उदाहरण हैं। शक्ति के दृष्टिकोण से सबसे अधिक बड़ा स्पष्ट है राज्य ही है। इसका प्रमुख कारण यह है राज्य का सर्वाधिक संगठन स्वरूप ही है। आकार की बात करते हैं, अगला स्रोत है आकार। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक मान लिया जाता है और ये सोचा जाता है कि संगठन का जितना बड़ा आकार होता है उतने ही उसमें अधिक शक्ति का परिचय दिया जा सकता है। इसके साथ साथ ही शक्ति के स्रोत और आधारों के रूप में ये विश्वास भी पर्याप्त महत्व रखता है कि तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप से विश्वास पर आधारित होती है। शक्ति का एक अन्य स्रोत सत्ता है। शक्ति की महानता इस बात पर निर्धारित की जाती है कि वह मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में कितनी सक्षम है। प्रोफेसर मैकाइवर के शब्दों में शक्ति ने इन विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण करने के बाद में ये कहा है कि शक्ति की कार्यकुशलता और उन विविध परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती रहती है जिसके अधीन वो कार्य करती है। अब हम बात करते हैं शक्ति के प्रयोग प्रकार की। शक्ति नाना रूपेण होती है, यानी विभिन्न प्रकार की होती है। शक्ति के प्रकार के संबंध में विद्वान अपने अपने अलग अलग मत रखते हैं। गोल्ड हैमर के अनुसार या एडवर्ड सिल के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छाओं के अनुसार दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। यानी व्यवहार में परिवर्तन की धारणा के अनुसार शक्ति तीन प्रकार की हो सकती है, बल, प्रभुत्व और चातुर्य। शक्तिशाली शक्तिवान व्यक्ति बल का प्रयोग करता है। उस समय कहा जाता है कि वह एक अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से प्रभावित करता है। जब शक्तिवान व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करने दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाएगा। प्रभुत्व आदेश आग्रह के रूप में हो सकता है। चातुर्य यानी दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका। दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का तरीका जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जाता है कि शक्तिशाली व्यक्ति आखिर उसे क्या चाहिए, उसकी क्या इच्छा है, और अंतिम प्रक्रिया के रूप में विभिन्न प्रकार के तरीकों और प्रतिकारों यानी सिंबल्स का प्रयोग करते हुए प्रचार की प्रणाली को अपनाया जाता है। इसके संबंध में मैक्स वेबर ये कहता है कि औचित्यपूर्ण शक्ति का अध्ययन करता है और उसे सत्ता कहता है जिस व्यक्तियों का या अधीनस्थ द्वारा स्वीकार किया जाता है या अधिकारपूर्वक माना जाता है उसे औचित्यपूर्ण सत्ता कहा जाता है। जो शक्ति औचित्यपूर्ण नहीं है वह वेबर के दमन में कहा गया कि वेबर औचित्यपूर्ण शक्ति के तीन प्रमुख रूप बताता है। पहला रूप है कानूनी यानी वैधानिक, दूसरा है परंपरागत और तीसरा है करिश्मावादी। ये इस तीन प्रकार की शक्तियों के बारे में वो बताता है। अब हम इसकी बात करते हैं शक्ति के प्रयोग और सीमाओं की। शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की यानी शास्तियों यानी सैंक्शंस या साधनों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे पुरस्कार, दंड, आर्थिक लाभ देना, रोकना आदि साधनों की मात्रा एवं प्रकार, देश काल संस्कृति विशेष रूप से परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का प्रयोग करते हुए पिटाई, जेल, जुर्माना, पदस्थीकरण, अपमान, इनमें से किसी भी साधन को अपनाया जा सकता है। इस प्रकार से संस्था पर शक्ति का प्रयोग करते हुए धमकी या प्रलोभन में से किसी को भी आवश्यकता अनुसार चुना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाए रखने के लिए या कांग्रेस के सदस्य और उनके अनुयायियों के पदों का प्रलोभन देता है, तथा इसके साथ साथ विशेष सम्मेलन बुलाने, मतदाताओं की सीधे अपील करने की बात भी कह सकता है। तो इस प्रकार से किंतु शक्ति का प्रयोग स्वच्छंद नहीं होता है, उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध या सीमाएं भी होती हैं। ये सीमाएं अनेक बातों के संबंध में होती हैं, जैसे इतिहास, परंपरा, सहमति, स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता के तरीके, राजनीतिक विकास का प्रभाव, धर्म और नैतिकता, समूहों का दबाव आदि। शक्ति की सीमाएं प्रयोगकर्ता के लक्ष्य एवं उद्देश्य, उसकी क्षमता, पारस्परिक संबंधों, प्रतियोगिता, कार्य पद्धति और वास्तविक संबंधों के कारणों आदि में भी उत्पन्न होती है। धन्यवाद।